हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आज है 20 मई, डेली आपको केएलडी क्लासेस के माध्यम से इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर कराए जाते हैं, तो उसी क्रम को आज भी कह सकते हैं कि शामिल करके और आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में हुए सर्वे में भारत का कौन सा अखबार सबसे अधिक पढ़े जाने वाला अखबार बना है? अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदू और लास्ट में दिया आपका हिंदुस्तान। तो इसका जो आंसर होगा, जो हिंदुस्तान यानी कि आपका जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है कह सकते हैं, वो आपका यानी कि पहले नंबर पे है, समझ सकते हैं। और इसके कितने यानी कि जैसे होता ना कि फॉलोअर या कह सकते हैं कितने पढ़ने वाले हैं, पाठकों की संख्या इस समय 7 करोड़ है कह सकते हैं। और अगर ये भी देखा जाए कि इसको एक अवार्ड भी मिला कह सकते हैं कि इसे दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ अखबार का यानी कि 11 पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। एक बार मैं क्वेश्चन पे और चलता हूँ क्योंकि इसमें आपको एक साथ कई क्वेश्चन को और बताना है, यानी कि कई इसके आंसर और छिपे हुए देखिएगा। क्वेश्चन ये था कि हाल ही में हुए सर्वे में भारत का कौन सा अखबार सबसे अधिक पढ़ा जाना, यानी कि पहले नंबर का कौन सा हो गया आपका, यानी कि आपका हो गया कौन सा, यानी कि दैनिक जागरण हो गया। और इसमें जो आपका हिंदुस्तान है ये दूसरे नंबर का है और जो अमर उजाला है ये तीसरे नंबर का है, कैसे समझिएगा। ये जो द हिंदू दिया है ये आपका बड़े बड़े शहरों में ही निकलता है, छोटे छोटे शहरों में नहीं निकलता। जैसे आपका दिल्ली में निकल गया, मुंबई में निकल गया, हैदराबाद निकल गया, इस तरह शहरों में ये निकलते हैं। हर जगह हिंदू द हिंदू नहीं छपता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आज के यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए आपको इमेज भी एक रखा गया था, यानी कि 7 करोड़ कह सकते हैं कि इसको यानी कि 7 करोड़ पाठकों के ऊपर इसको पुरस्कार भी मिला है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया देश में हुए आम चुनाव में उस देश का नया प्रधानमंत्री कौन है? जैसे आपको पता है कि भारत में भी यानी कि लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव को ही हम आम यानी कि चुनाव कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहा उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, तो किसे यानी कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बनाया गया ये आपको बताना। स्टॉन यानी कि स्टॉक मॉरिसन, बिल शॉर्टन, मरियम रॉबर्ट ब्राउन। इसका जो आंसर जो होगा वो होगा यानी कि स्कॉट मॉरिसन को कह सकते हैं। हाल ही में यानी कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश है वहाँ का यानी कि नया प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये किस पार्टी के हैं? जैसे होता ना कि अगर मान लिए मोदी जी बनते हैं तो भाजपा पार्टी से, राहुल गांधी जी बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी से, जो जैसा बनता है उसका पार्टी का नाम आगे रखा जाता कह सकते हैं। तो इनके पार्टी का नाम है लिबरल नेशनल पार्टी। और इसके पहले यानी कह सकते हैं ये जो बने हैं स्कॉट मॉरिसन किसी को हरा के ही तो बने होंगे, यानी कि पिछली बार वो रहा होगा, तो पिछली बार कह सकते हैं या पूर्व प्रधानमंत्री बिल शॉर्टन रहे हैं। तो ये देखिए जो इमेज है ये आपका स्कॉट मॉरिसन का जी है, जो यानी कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये था हमारा दूसरा। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश अमेरिका देश के साथ मिलकर हिंद और प्रशांत महासागर भाग की सुरक्षा करने पर सहमति बनाई है? तो देखिए अब ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन दिया है भारत, चीन, श्रीलंका और मालदीव। तो इसका जो आंसर होगा, जो श्रीलंका देश है उसके साथ जो अमेरिका देश है या कह सकते हैं कि यूएसए, यानी कि यूएसए और श्रीलंका देश दोनों मिलके यानी कि जो आपका हिंद महासागर है और जो प्रशांत महासागर, यहाँ पे दोनों की सुरक्षा के लिए यानी कि दोनों ने सहमति बनाई है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका देश में अभी आपको पता होगा कि आत्मघाती हमला हुआ जिसमें बहुत से लोगों ने मारे गए हैं और बहुत लोग घायल थे, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। तो मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाता हूँ कि हिंद महासागर कहाँ पे है और प्रशांत महासागर या पैसिफिक महासागर कैसे देखें। ये देखिए जो रेड वाला भाग है ये आपका यानी कि इंडियन ओशियन है कह सकते हैं, और ये जो इधर यानी कि दाएं साइड पे दिखाया गया यानी कि पैसिफिक ओशियन, ये आपका प्रशांत महासागर कह सकते हैं। जो महासागरों में अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ा या सबसे गहरा जो कौन सा महासागर है, तो आपका प्रशांत महासागर या पैसिफिक महासागर कह सकते हैं। देखिए ये जहाँ पे तीर है ये आपका यानी कि नीचे आपका श्रीलंका है, तो यहाँ पे पूरे ये यानी कि पूरे जो सुरक्षा यानी कि कह सकते हैं कि देख रेख कौन करेगा, यानी कि श्रीलंका और अमेरिका देश दोनों मिलकर करेंगे। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आज के चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है कि श्रीलंका देश ने भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के अवसर पर कितने कैदी को रिहा किया है? यानी कि कह सकते हैं कि अभी भगवान यानी कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म था, तो उसके उपलक्ष्य में जो श्रीलंका देश ने उसने कितने कैदी को रिहा किया है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन दिया 700, 1000, 762 या 2000। तो इसका तो आंसर होगा 762 कैदियों को कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार ने यानी कि रिहा किया है कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कह सकते हैं। और इसमें 32 महिलाएं यानी कि 762, ये तो सिर्फ मैन वाली की बात है, 32 महिलाओं को भी यानी कि रिहा किया गया कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये कि भारत देश का वह कौन सी पहली ट्रेन होगी
जिसमें कोच के यात्री अपने आसपास के एयर कंडीशन का तापमान स्वयं नियंत्रित कर सके। जैसे होता नहीं कि यह मतलब कि गर्मी होगा तो उसको ठंडा कर देंगे, ठंडा होगा तो गर्म कर सकते हैं। तो ये ट्रेन अभी चली नहीं है लेकिन चलने वाली है, तो उसको आपको ट्रेन का नाम बताना होगा, ट्रेन 18, ट्रेन 19, ट्रेन 20 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा कह सकते हैं कि ट्रेन 19, एक नया ट्रेन आ रहा है जिसका नाम है ट्रेन 19, या इसका एक और नाम भी कह सकते हैं कि 2020, क्योंकि यानी कि 2019 वर्ष कह सकते हैं कि इसके लास्ट में दिसंबर के लास्ट तक आएगा, तो इसीलिए कह सकते हैं यह ट्रेन वर्ष के अंत तक चलने की संभावना है। ट्रेन 19 एक ऐसा ट्रेन है कह सकते हैं, जैसे आपने ट्रेन 18 के बारे में बहुत खूबियाँ पढ़ा होगा, इसकी स्पीड कितनी है, ये चीज़ वो चीज़ पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से ट्रेन 19 है या उसका हम 20-20 भी नाम दे सकते हैं। तो इसमें ये यानी कि कह सकते हैं कि क्वालिटी है कि आप जैसा वातावरण चाहते हो वैसा वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए आपको ट्रेन नीचे दिखाई दे रहा होगा, ट्रेन आप देख सकते हैं, ये आपका ट्रेन 19 है कह सकते हैं। तो जल्दी इसको चालू करने की संभावना दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसकी याद में विश्व करूड़ा दिवस मनाया जाता है? कबीरदास, तुलसीदास, गौतम बुद्ध या रविदास? तो इसका जो आंसर होगा गौतम बुद्ध जी के कह सकते हैं कि जन्म पे, यानी कि भगवान गौतम बुद्ध के जी के जन्म पे, यानी कि कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व यानी कि कह सकते हैं कि करूड़ा दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में इनका कह सकते हैं कि जन्म दिवस मनाया गया है, तो ये इनका कौन सा जन्म दिवस था? तो 256वां यानी कि कह सकते हैं इनके जन्म दिवस ये मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये है कि विश्व के किस देश में पहली बार खो खो लीग खेल होने जा रहा है? चीन देश, भारत देश, जापान देश या नेपाल देश? यानी कि जैसे होता ना कि हमारा क्रिकेट होता है या हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, उसी तरह से आपका यानी कि खो खो खेल खेला जाएगा। तो ये पहली बार कह सकते हैं किस देश में खेला जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा जो भारत देश होगा, यहाँ पे सबसे यानी कि कह सकते हैं कि पहली बार खो खो खेल का यानी कि लीग खेला जा रहा है। तो ये कब होने की संभावना? तो अक्टूबर के कह सकते हैं कि अक्टूबर में ये 2019 के कह सकते हैं अक्टूबर में ये खेला जाएगा। तो नीचे आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से खो खो खेला जाता है, यानी कि लगभग यानी कि 15 से 20 खिलाड़ी रखे जाते हैं, जिसमें यानी कि दो दो टीम होती है, यानी कि एक लोग बैठते हैं और दूसरा उसमें होता है ना कि राउंड। आप अच्छे तरह से जानते होंगे इसके बारे में, खो खो के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का वर्तमान कप्तान कौन है? रानी शर्मा, रानी रामपाल, हरमनप्रीत कौर या मिथाली राज? तो इसका जो आंसर होगा यानी कि कह सकते हैं कि रानी रामपाल जी, जैसे एक बार थोड़ा सा कट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे का, यानी कि रानी रामपाल जी हैं ये आपके कह सकते हैं कि भारतीय हॉकी टीम की क्या है, बताइए, महिला की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि कप्तान है। तो ये आपको देखिए नीचे देख भी सकते हैं, ये इमेज है रानी रामपाल जी का। तो ये था हमारा कह सकते हैं कि आज 20 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर। इसी तरह से आप केएलडी क्लासेस में बने रहिए।